हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1990 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी मिजरी को। इस मूवी में हम देखेंगे कोई किसी के लिए कितना ऑब्सेस्ड हो सकता है, जिसमें वो हमेशा खुद को ही सही समझता है लेकिन असल में वो एक साइको होता है। अगर इस मूवी के रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफ़ी पसंद किया है और ये मूवी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते है सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को टाइपराइटर चलाता हुआ देखते हैं, फिर हमें पता चला ये उसकी लिखी बुक का आखिरी चैप्टर था जिसमें उसने द एंड लिखकर अपनी फाइल रेडी कर ली। इस राइटर का नाम पॉल शेल्डन है। फिर उसने फाइल को एक बैग में रखकर शैंपेन की बोतल खोली और एक सिगरेट उठाकर स्मोक करते हुए उस दिन को इंजॉय करने लगा। आज वो बहुत खुश था। कुछ देर बाद वो उस फाइल को अपनी कार में रखकर वापस अपने घर जाने लगा। ड्राइव करते हुए वो गाना लगाकर खुशी से झूमने लगा। स्नोफॉल हो रही थी इसीलिए उसने वाइपर ऑन किया, लेकिन धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगी जिस वजह से पॉल को ड्राइव करने में मुश्किल हो रही थी। फिर अचानक बर्फीला तूफान आया जिसमें उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो सीधा एक खाई में जा गिरा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ आने से पहले पॉल अपने पब्लिशर से मिलने गया था। उसने पब्लिशर को बताया कि अब वो अपनी नॉवेल मिजरी का आखिरी चैप्टर लिखने वाला है क्योंकि अब वो उस सीरीज से ऊब चुका है। तब उसकी पब्लिशर, जिसका नाम सिंडेल है, उसने पॉल को समझाया कि उसकी पहली सीरीज जिसका नाम मिजरी चाइल्ड है उसकी मिलियंस कॉपी सेल हुई थी और इस नॉवेल की वजह से ही पॉल को दौलत, शोहरत और नाम मिला, इसीलिए वो इस सीरीज को अभी खत्म ना करे। लेकिन पॉल ने कहा उसने फैसला कर लिया है, वो उस बुक को पूरा करने के लिए अभी के अभी सिल्वर ग्रीक जा रहा है और वहां से वो इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखेगा। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। उस कार एक्सीडेंट में पॉल की हालत बहुत सीरियस थी, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। तभी कोई आकर उसकी कार का गेट खोलने की कोशिश करने लगा। फिर उसने गेट खोलकर पॉल को बाहर निकाला लेकिन अफसोस उसकी सांसें चल नहीं रही थी, इसीलिए वो पॉल को CPR देने लगा। CPR देने की वजह से पॉल की सांसें चलने लगी। फिर उस इंसान ने पॉल का बैग उठाकर अपने पास रख लिया और पॉल को उठाकर कहीं ले जाने लगा। पॉल को जब होश आया तब उसे सबसे पहली आवाज सुनाई दी, I am your number 1 fan। तभी उसके सामने एक लड़की आई। फिर उसने पॉल को बताया कि वो एनी विल्कीस है, जो पेशे से एक नर्स है, वो पॉल की number 1 fan है। पॉल ने पूछा वो यहाँ कब से है। तब एनी ने बताया कि वो 2 दिन से बेहोश था और अभी वो सिल्वर ग्रीक के आउटसाइड एनी के घर में है। उसने कहा कि यहाँ वो उसका पूरा ख्याल रखेगी, उसे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए एनी ने पॉल को मेडिसिन दी। पॉल ने पूछा कि उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। एनी ने बताया कि बर्फीला तूफान बहुत तेज था इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने मदद के लिए फोन भी किया लेकिन तूफान की वजह से सभी फोन लाइन बंद थी। एनी ने बताया कि पॉल लगभग मरने ही वाला था लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, उसे अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब उसे आराम करने की जरूरत है इसीलिए वो फिक्र ना करे। अगले दिन एनी ने मेडिसिन देते हुए उसे बताया कि उसके दोनों पैर और शोल्डर बुरी तरह फ्रैक्चर है। पॉल ने पूछा कि वो अपने पैरों पर कभी चल पाएगा या नहीं। एनी ने कहा हाँ बिल्कुल, वो पहले की तरह ठीक हो जाएगा, यह दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन एनी ने उसका जिस तरह ट्रीटमेंट किया वो डॉक्टर से भी कम नहीं। फिर भी जैसे ही रोड ओपन हो गए वो पॉल को हॉस्पिटल लेकर जाएगी, तब तक उसे एनी के घर में ही आराम करना होगा। इधर न्यूयॉर्क में पॉल के पब्लिशर सिंडेल ने सिल्वर ग्रीक में पुलिस से कॉन्टेक्ट करके बताया कि उसका एक क्लाइंट पॉल शेल्डन शायद किसी मुसीबत में है, वो अपनी बुक कंप्लीट करने सिल्वर ग्रीक के लॉज में रुका था लेकिन अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और लॉस से पता चला कि पॉल कुछ दिनों पहले ही लॉस से चेकआउट कर चुका है। फिर शेरिफ, जिसका नाम बस्टर है, उसने कहा कि वो अपने सिस्टम में रिपोर्ट दर्ज कर रहा है और जैसे ही पॉल के बारे में कुछ पता चलेगा वो सिंडेल को इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद एनी पॉल की शेविंग कर रही थी, तब पॉल ने कहा ये चमत्कार ही है जो सही टाइम पर एनी आ गई। तब एनी ने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं, वो पॉल को फॉलो कर रही थी और उसे ये भी पता था कि पॉल सिल्वर ग्रीक के लॉज में रह रहा है, उसकी नजर हमेशा पॉल पर ही थी जैसा कि उसने कहा कि I am your number 1 fan। तभी पॉल ने हैरानी से पूछा कि मेरा तो कोई सीक्रेट नहीं, फिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रही थी। तब एनी ने कहा कि पॉल वर्ल्ड का बेस्ट राइटर है इसीलिए उसका ख्याल रखना एनी का फर्ज है क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी फैन है। पॉल जिंदा रहेगा तभी तो बुक लिखेगा। पॉल ने उसे अप्रिशिएट किया, फिर उससे पूछा फोन लाइन कब तक चालू होगी क्योंकि वो अपनी बेटी और सिंडेल को बताना चाहता है कि वो जिंदा है। इस पर एनी ने कहा कि फोन लाइन चालू होने में शायद अभी और टाइम लगेगा, इसीलिए पॉल उसे नंबर दे दे ताकि वो
टाउन जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर दे। जाते हुए एनी ने पूछा कि क्या वो उसकी बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ सकती है अगर पॉल की परमिशन हो तो। तब पॉल ने कहा कि उसके बहुत सख्त उसूल और नियम है, इसीलिए बुक पब्लिश होने से पहले किसी को भी पढ़ने की परमिशन नहीं, सिवाय उसकी पब्लिशर, एडिटर और जिसने उसकी जान बचाई, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। तब एनी ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब मैं भी पढ़ सकती हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उधर बस्टर उस लॉज में इन्वेस्टिगेशन करने गया जहाँ पॉल स्टे कर रहा था। वहाँ उसे पॉल की कार का नंबर और मॉडल मस्टैंग 65 पता चला, और उसे वहाँ ये भी पता चला कि जाने से पहले पॉल ने एक शैंपेन ऑर्डर की थी। इधर एनी पॉल को सूप पिलाते हुए सैड थी। तब पॉल ने पूछा कि तुम किस बात से इतनी परेशान हो। इस पर एनी ने कहा कि स्क्रिप्ट में अब्यूसिंग वर्ड है जिसे पढ़कर उसे अच्छा नहीं लगा। तब पॉल ने कहा कि उस कहानी में स्लम किड के बारे में लिखा है और वो खुद भी एक स्लम किड था, वहाँ हर कोई इसी तरह बात करते है। ये सुनते ही एनी अजीब बर्ताव करते हुए कहने लगी, हर कोई इस तरह बात नहीं करते, और इस बुक को पढ़ने के बाद लोग रिस्पेक्ट से बात करना छोड़ देंगे, लोग अब्यूसिंग करने लगेंगे। ये बोलते हुए वो अपना कंट्रोल खोने लगी जिससे सूप पॉल के बेड पर गिर गया। लेकिन एनी उल्टा पॉल को ही डांटते हुए कहने लगी कि देखो तुमने मुझे क्या बना दिया। फिर अचानक वो नॉर्मल हो गई और पॉल से माफी मांगते हुए कहने लगी कि वो उसकी बुक से प्यार करती है, लेकिन इस कहानी ने उसका दिल तोड़ दिया। फिर सैड होकर वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ बस्टर जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए रास्ते से जा रहा था तब उसे एक टूटा हुआ झाड़ दिखाई दिया। उसे शक हुआ, इसीलिए वो उस जगह का मुआयना करने आगे बढ़ा, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में जा गिरा। फिर उस जगह से निकलकर वो वापस जाने लगा। तब हम देखते हैं कि उसी जगह पर पॉल की कार बर्फ से ढकी हुई थी। ऑफिसर जब वापस जा रहा था तभी एनी ने उन्हें क्रॉस किया। वो समझ गई कि पॉल को ढूंढा जा रहा है। इसके बाद एनी ने पॉल को दिखाया कि उसने मिजरी चाइल्ड की फर्स्ट कॉपी खरीदी है और इसके लिए उसने बुक के बहुत ज्यादा दाम चुकाए। तभी पॉल ने कहा, इसका मतलब रोड ओपन हो गए। तब एनी ने कहा, पास के टाउन तक रोड ओपन है और उसने वहां से हॉस्पिटल कॉल किया था। तब उसे सर्जन ने कहा कि अगर पॉल को कोई इन्फेक्शन नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं, घर पर ही उसका ख्याल रखा जाए और जैसे ही रोड ओपन हो गए वो यहाँ एम्बुलेंस भेज देंगे। फिर वो उस बुक के बारे में बात करने लगी। तब पॉल ने कहा, आज उसकी बेटी का बर्थडे है और उसे वहां होना चाहिए था। इस पर एनी ने कहा कि उसने पॉल की पब्लिशर सिंडेल को कॉल करके सब बता दिया, लेकिन सिंडेल ने कहा कि पॉल की बेटी को अभी ना बताया जाए क्योंकि वो परेशान हो जाएगी और रोड ओपन होते ही सिंडेल पॉल को लेने आएगी। फिर वो उसकी बुक की तारीफ करते हुए वहां से चली गई। अगली सुबह एनी ने पॉल को ब्रेकफास्ट देते हुए कहा कि उसने उसकी बुक के 75 पेज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद वो शाम को पॉल से एक पिक को मिलाने लेकर आई और बताया इसका नाम मिजरी है और इस दुनिया में वो मिजरी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर बताया उसने 300 पेजेस कंप्लीट कर लिए। अगले दिन एनी ने बताया जब उसका हस्बैंड उसे छोड़कर गया तब उसे लगा कि वो पागल हो जाएगी, उसका जीना मुश्किल हो गया था। वो दिन रात हॉस्पिटल में काम करने लगी। डिप्रेशन में जाने की वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन उसने पॉल की बुक पढ़ी जिसे पढ़कर उसे सुकून मिला और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूलने लगी, इसीलिए वो बुक कंप्लीट होने के बाद भी बार बार उस बुक को पढ़ती रहती थी। इसके बाद एक रात अचानक एनी पॉल के पास आकर उसे डांटते हुए कहने लगी कि पॉल ने कहानी में मिजरी को क्यों मारा। तब पॉल ने कहा कि सन 1971 में बच्चों को जन्म देते हुए अक्सर औरतों की जान चली जाती थी, लेकिन मिजरी ने जिस तरह बहादुरी से जिंदगी जी उसकी बहादुरी तो आज तक जिंदा है। तभी एनी अपना कंट्रोल खोते हुए कहने लगी कि उसे मिजरी की बहादुरी नहीं बल्कि मिजरी चाहिए, पॉल एक कातिल है जिसने मिजरी को मार डाला। पॉल ने एनी को समझाने की कोशिश की और कहा उसका मर्डर नहीं हुआ, ये एक नेचुरल डेथ थी जैसा हर कोई मरता है, लेकिन एनी का पागलपन बढ़ने लगा। फिर वो जाकर एक चेयर उठा लाई और पॉल पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने गुस्से में वो चेयर दीवार पर फेंक दी। फिर जाते हुए उसने कहा पॉल एक बुरा इंसान है और अब वो ये भूल जाए कि कोई उसे यहाँ लेने आएगा, क्योंकि एनी ने कभी किसी को कॉल किया ही नहीं था और ना ही कभी किसी को बताएगी कि पॉल यहाँ है। ये कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर कार से कहीं जाने लगी। ये सब सुनकर पॉल को शॉक लगा, लेकिन वो ये समझ गया था कि एनी एक साइको है, मतलब उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो हिम्मत करते हुए बेड से उतरते हुए गिर गया और दर्द से तड़पते हुए रेंगता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक है। उधर बस्टर ने सिंडेल को बताया कि वो लोग पॉल का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट पुलिस और FBI को भी इस केस के लिए इन्वॉल्व कर लिया है, इसीलिए जैसे ही कुछ पता चलेगा वो सिंडेल को इन्फॉर्म कर देंगे। इधर एनी ने आकर देखा कि पॉल जमीन पर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपने बुरे बर्ताव के लिए पॉल से माफी मांगने लगी। फिर उसे उठाकर बेड पर लेटाते हुए कहती है कि पॉल के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उस सरप्राइज को देखने से पहले उसे कुछ करना होगा। एनी ने कहा कि वो जानती है कि कभी कभी उसका बर्ताव ठीक नहीं होता, लेकिन पॉल ने जो किया उसे बर्दाश्त करना भी एनी के लिए आसान नहीं था, इसीलिए उसने गॉड से पूछा कि वो क्या करे। तब गॉड ने कहा कि पॉल को रास्ता दिखाओ, इसीलिए अब वो उसे रास्ता दिखाएगी। ये कहते हुए वो एक फायर बॉक्स उसके सामने लेकर आ
गई जिसके अंदर पॉल की स्क्रिप्ट और माचिस रखी थी। फिर एनी ने कहा कि पॉल को दुनिया से इस गंदगी को साफ करना होगा। ये कहते हुए वो पॉल से उस स्क्रिप्ट को जलाने कहती है। पॉल ने कहा उसे जलाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉपी न्यूयॉर्क में उसके पब्लिशर के पास है और जल्दी ही ये पब्लिश होने वाली है। इस पर एनी ने कहा कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। ये बुक की ओरिजिनल कॉपी है जो अब तक किसी भी पब्लिशर तक नहीं पहुंची। पॉल 24 साल से इस कहानी को लिख रहा है। इस कहानी को उसने इसीलिए पब्लिश नहीं किया क्योंकि उसे लगता था ये सही वक्त नहीं है, लेकिन अब जब वो फेमस हो गया लोगों पर इस कहानी का गहरा असर पड़ेगा, इसीलिए पॉल अब इस बुक को पब्लिश करना चाहता है। तब पॉल ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसे खुद के लिए रखेगा। पॉल वादा करता है वो इस बुक को कभी पब्लिश नहीं करेगा और इस बुक के बारे में कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एनी ने कहा कि वो इस कहानी को सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि पॉल के दिमाग से भी मिटाना चाहती है, इसीलिए उसे जल्दी से उसे जलाना होगा। पॉल सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर एनी उस पर केरोसिन फेंकते हुए कहने लगी कि गॉड ने जो रास्ता दिखाया, अगर उस पर नहीं चलना है तो उसे गॉड के पास ही चले जाना चाहिए। पॉल समझ गया कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो एनी उसे मार देगी, इसीलिए पॉल ने मायूसी से स्टिक जलाकर अपनी स्क्रिप्ट पर फेंक दी। इसके बाद बस्टर पॉल की कार ढूंढते हुए एनी के घर के पास से गुजर रहा था। वो लोग उस जगह को चॉपर से सर्च कर रहे थे। उस चॉपर को एनी और पॉल दोनों देख रहे थे, लेकिन बस्टर को कोई मस्टैंग कार नहीं दिखी, इसीलिए वो दूसरी तरफ चले गए। फिर एनी पॉल को मेडिसिन देकर वहां से चली गई। पॉल उस कैप्सूल को गौर से देखने लगा जिसे खाकर उसे बहुत नींद आती थी, लेकिन इस बार पॉल ने मेडिसिन ना लेते हुए उसे अपने बेड में छुपा दिया। इसी तरह डिनर में मिली मेडिसिन भी उसने अपने बेड में छुपा दी। अगली सुबह एनी ने पॉल को व्हीलचेयर पर बैठाया और उसे एक ट्रिमर भी दिया जिसका इस्तेमाल करके अब वो खुद ही शेव कर पाएगा। पॉल ने एनी का शुक्रिया अदा किया। अब एनी ने कहा कि अभी एक बड़ा सरप्राइज बाकी है जिसके लिए वो रेडी रहे। पॉल की थोड़ी फट गई क्योंकि एनी के सरप्राइज डेंजर होते हैं। फिर एनी एक टाइपराइटर मशीन लेकर आई और पॉल के लिए एक केबिन सेट करते हुए कहने लगी कि राइटर हमेशा लिखना पसंद करता है, इसीलिए पॉल आज से वापस लिखना शुरू करेगा और उस बुक का नाम होगा मिजरी रिटर्न। लेकिन इस बार मिजरी जिंदा रहेगी और ये कहानी जैसा एनी चाहती है पॉल को वैसी ही लिखनी होगी क्योंकि एनी ने उसकी जान बचाई और उसका इतना ख्याल रखा, इसीलिए पॉल एनी के सम्मान के लिए इतना तो कर ही सकता है। तभी पॉल को फ्लोर पर एक हेयर क्लिप दिखाई दिया। फिर एनी ने पॉल को कुछ पेपर लाकर दी, लेकिन पॉल ने कहा कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो इन पेपर का यूज नहीं करता। इस पर एनी ने कहा कि उसने पेपर लेने में कंजूसी नहीं की, उसने बहुत कॉस्टली पेपर खरीदे हैं। तब पॉल ने एक पेपर पर टाइप करके दिखाया कि पेपर पर लगी इंक किस तरह फैल जाती है, इसीलिए वो उन पेपर का यूज नहीं करता। एनी ने जाते हुए कहा कि क्या टाउन से और भी कुछ लाना है, या वो कहे तो एनी पूरा स्टोर उठा लाएगी। पॉल ने पूछा कि उसे क्या हुआ। तब एनी ने कहा कि वो उसे खुश रखने के लिए इतना सब करती है, उसके लिए फिजिकली और फाइनेंशियली पूरी तरह हेल्प कर रही है, फिर भी वो उसके काम में कमी निकाल रहा है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा करते हुए उसके पैरों पर पेपर पटक कर चली गई। दरअसल पॉल किसी भी तरह उसे टाउन भेजना चाहता था ताकि वो इस जगह से निकलने की कोशिश कर सके। उसके जाते ही पॉल उस हेयर क्लिप को उठाकर दरवाजे के पास गया और उस क्लिप के जरिए दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में वो लॉक खोलने में कामयाब हो गया। दरवाजा खोलकर वो घर के दूसरे रूम में गया जहां उसे एक टेलीफोन रखा दिखाई दिया। फिर वो जल्दी से उस टेलीफोन से डायल करने लगा, लेकिन इतनी जल्दी वो इस मुसीबत से निकलने वाला नहीं था क्योंकि टेलीफोन डेड था। वो एक डमी टेलीफोन की तरह रखा था क्योंकि एनी ने उस टेलीफोन की लाइन पहले ही काट रखी थी। पॉल जब दूसरे रूम में जा रहा था तब गलती से एक पेंगुइन नीचे गिरने वाला था। तभी पॉल ने उस पेंगुइन को पकड़ लिया और वापस उस टेबल पर रख दिया। फिर पॉल की नजर वहां की बुक शेल्फ पर पड़ी जहां पॉल की फोटो और उसकी बहुत सारी नॉवेल रखी हुई थी। इसके बाद जब उसने दूसरे रूम का दरवाजा खोला तो एक मेडिसिन रूम था जहां ढेर सारी मेडिसिन रखी थी। पॉल ने कुछ मेडिसिन अपने पास रख ली क्योंकि उसका एक प्लान था जो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वो किचन की तरफ गया जहां उसे एक बाहर का दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन अंदर जाने के लिए स्पेस बहुत कम था। उसकी व्हीलचेयर की वजह से वो अंदर नहीं जा रहा था, इसीलिए वो व्हीलचेयर से गिरकर रेंगने लगा और दर्द से तड़पते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन अफसोस वो दरवाजा भी लॉक था। तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया एनी वापस आ रही है, इसीलिए वो जल्दी से वापस जाने की कोशिश करने लगा और किसी तरह वापस व्हीलचेयर पर बैठकर सभी रूम के दरवाजे बंद कर दिए जो उसने खोले थे। एनी बस अंदर आने ही वाली थी। तब पॉल अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा लॉक करने लगा। तभी एनी अंदर आ गई, लेकिन किस्मत से पॉल बच गया, एनी को कुछ पता नहीं चला। इधर बस्टर चॉपर से गश्त लगा रहा था, तब उसे पॉल की कार दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्द ही एक टीम आई। जब उस कार को निकाला गया तो उन्हें पॉल की बॉडी नहीं मिली और ना ही वो किसी हॉस्पिटल में था। बस्टर कार के गेट को देखकर समझ गया कि बाहर से किसी ने गेट खोलकर पॉल को बाहर निकाला होगा, इसका मतलब पॉल जिंदा है। इधर पॉल ने एक कागज का पैकेट बनाया, फिर अपने इकट्ठा की हुई कैप्सूल खोलकर उस पैकेट में भरने लगा। इसके बाद वो एनी के मुताबिक आगे की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया। तभी एनी आकर पॉल पर भड़कने लगी और
और गुस्से से उसे भला बुरा बोलने लगी। एनी ने पॉल पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, इसीलिए पॉल को स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने होंगे। पॉल एनी का ये रूप देखकर उसकी बात मान गया। फिर उस स्क्रिप्ट में उसने कुछ बदलाव किए। अब की बार जब एनी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसे ये कहानी काफी पसंद आई, इसीलिए वो पॉल की बहुत तारीफ करने लगी। फिर पॉल ने कहा कि इस कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए वो आज रात एनी के साथ डिनर करना चाहता है। ये सुनकर एनी खुश हो गई और कहा कि ये उसके लिए बहुत सम्मान की बात होगी। फिर रात में दोनों बैठकर डिनर कर रहे थे, तब पॉल ने एनी को बियर सर्व करते हुए कहा कि इस सेलिब्रेशन में कैंडल की कमी लग रही है, एनी अगर एक कैंडल ले आए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। एनी कैंडल लेने चली गई। दरअसल पॉल एनी की बियर में वो मेडिसिन मिलाना चाहता था जो उसने एक पैकेट में जमा कर रखी थी, ताकि एनी बेहोश हो जाए और वो यहाँ से भाग निकले। एनी जब कैंडल लेकर वापस आई तो चेयर करते समय उसका हाथ कैंडल पर लग जाता है, जिससे उसकी बियर और कैंडल दोनों गिर गए। ये देखकर पॉल निराश हो गया, क्योंकि उसका इतने दिनों का बनाया सारा प्लान खराब हो गया। अब पॉल ने फिर से मिजरी के चैप्टर लिखना शुरू किए और कई दिनों तक बस लिखता ही रहा। साथ ही साथ वो टाइपराइटर उठाकर प्रैक्टिस भी करता रहा, ताकि उसका शोल्डर स्ट्रांग हो जाए। अब उसने अपनी मिजरी के 35 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, उसकी बुक एंड होने ही वाली थी। फिर एक रात एनी जब पॉल से मिलने आई तब वो बहुत उदास थी। पॉल ने उसकी उदासी की वजह पूछी तो एनी ने कहा कि पहले वो पॉल की बुक से प्यार करती थी, लेकिन अब वो पॉल से प्यार करने लगी है। अब पॉल की हालत काफी अच्छी हो गई और उसकी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो यहाँ से चला जाएगा और एनी फिर से अकेली हो जाएगी। तब पॉल ने कहा उसे यहाँ अच्छा लग रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमेशा यही रहेगा। इस पर एनी ने कहा कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो जानती है पॉल उससे प्यार नहीं करता। फिर वो पिस्तौल निकालते हुए कहने लगी कि उसने पिस्तौल में कभी बुलेट नहीं डाली, क्योंकि कभी बुलेट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन शायद अब इसमें बुलेट डालने का समय आ गया है। इसके बाद वो अपनी कार निकालकर टाउन जाने लगी। पॉल समझ गया कि वो कभी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए पॉल फिर से किचन में गया और वहां से एक चाकू उठाकर अपने पास रख लिया। फिर वापस रूम में जाते हुए उसे एनी की डायरी दिखाई दी, जिसमें एनी ने अपनी सभी मेमोरीज की फोटो और पेपर कटिंग जमा कर रखी थी। उस डायरी को देखकर पॉल को पता चला कि जिस हॉस्पिटल में एनी नर्स थी वहां कई बच्चों की मौत हुई, जिसका इल्जाम एनी पर था। उस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से वो किसी तरह उस केस से बरी हो गई। पॉल समझ गया कि एनी पहले से ही एक साइको किलर है। वो जल्दी से वापस अपने बेड पर आकर एनी के आने का वेट करने लगा, लेकिन एनी जब वापस आई तो वो उसके पास ना आकर सीधा अपने रूम में चली गई। इसीलिए पॉल उस चाकू को अपने बेड में छुपाकर सो गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एनी अचानक पॉल के सामने आई। पॉल की जब नींद खुली तब उसने देखा कि वो बेड पर रस्सियों से बंधा है। पॉल के पूछने पर एनी ने बताया कि वो जानती है कि पॉल इस रूम से बाहर गया था। इस पर पॉल ने कहा कि उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, भला वो रूम से कैसे बाहर निकल सकता है, क्योंकि रूम तो हमेशा लॉक रहता है। एनी ने कहा रात में रूम में जाते समय उसने अपना पेंगुइन देखा, जिसका फेस साउथ की तरफ था, और वो पेंगुइन को कभी इस तरह नहीं रखती, इससे उसे शक हुआ। फिर छानबीन करने पर उसे हेयर क्लिप मिली, जिससे पॉल ने दरवाजा खोला था, और हद तो तब हो गई जब उसे पता चला कि उसने एनी की जान लेने के लिए एक चाकू छुपा रखा था। पॉल का राज अब खुल चुका था। एनी ने कहा इस बारे में उसने रात भर सोचा, तब उसे एक रास्ता दिखाई दिया जिससे पॉल कहीं भाग ना सके। ये कहते हुए एनी ने पॉल के दोनों पैरों के बीच एक लकड़ी का बड़ा तख्ता रख दिया, फिर एक बड़ा हथौड़ा दिखाया। पॉल उसे लगातार ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन एनी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उस हथौड़े से पॉल के दोनों पैरों को बेरहमी से तोड़ दिया, जिससे पॉल दर्द में तड़पने लगा। इसके बाद जब एनी स्टोर में पेपर लेने गई तब बस्टर ने उसे देखा तो उसे कुछ याद आया, इसलिए वो जाकर अपनी डायरी चेक करने लगा, जहां उसे एनी पर लगे इल्जामों के बारे में पता चला। बस्टर को एनी पर शक हुआ, इसीलिए वो उस स्टोर में गया जहां एनी गई थी। वहां पूछताछ करने पर उसे पता चला कि एनी यहां से टाइपिंग पेपर लेकर जाती है। ये सुनकर बस्टर का शक यकीन में बदल गया, इसीलिए वो सीधा एनी के घर जाने निकल पड़ा। पॉल ने देखा कि पुलिस की कार उसी की तरफ आ रही है, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही एनी ने आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। बस्टर घर के अंदर आता इससे पहले ही एनी ने पॉल को घर के बेसमेंट में ले जाकर छुपा दिया। अब बस्टर उसके दरवाजे को नॉक करने ही वाला था, तभी एनी ने दरवाजा खोल दिया और बहाना बनाते हुए कहा कि वो बस बाहर ही जा रही थी। लेकिन बस्टर को एनी पर पूरा शक था, इसीलिए उसने एनी को कुछ देर रुकने कहा। फिर अंदर आकर बातें करते हुए वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था। एनी ने कहा कि वो पॉल के नंबर वन फैन है और पॉल की बायोग्राफी को लेकर उसकी सारी किताबें पढ़ चुकी है। उसे जब न्यूज में पता चला कि पॉल की कार का एक्सीडेंट हुआ है और पॉल लापता है, तो उसने गॉड से प्रार्थना की, लेकिन पॉल वापस नहीं आया, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए वो खुद को तैयार कर रही है। इसीलिए उसने टाइपराइटर और पेपर लाकर प्रैक्टिस चालू कर दी। बस्टर को कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए वो वापस जाने लगा, लेकिन तभी पॉल को होश आया तो उसने मदद के लिए कुछ सामान गिरा दिया। बाहर बस्टर को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो तुरंत घर के अंदर गया। फिर पॉल जोर जोर से चिल्लाने लगा। बस्टर ने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसे पॉल मिल
गया। वो पॉल की मदद करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एनी ने बस्टर को शूट कर दिया और बस्टर की वहीं पर मौत हो गई। फिर एनी ने पॉल से कहा कि वो उसके साथ और जीना चाहती है, लेकिन बस्टर की मौत की वजह से कभी भी टीम आ सकती है, इसीलिए उन दोनों को इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना होगा। ये कहते हुए वो गन लेने चली गई। तभी पॉल ने मौका देख कर एक ऑयल कैन अपने पास छुपा लिया। एनी जब वापस आई तो उसके एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में पॉइजन से भरा इंजेक्शन था। पॉल ने कहा कि उसने सही कहा, वो साथ में जी नहीं सकते लेकिन साथ में मर सकते हैं, क्योंकि अब वो भी उससे प्यार करने लगा है। पॉल ने कहा उन दोनों को मर जाना चाहिए, लेकिन मिजरी को जिंदा रहना होगा, इसीलिए बुक का अंत लिखकर दोनों मर जाएंगे। ये सुनकर एनी ने कहा इसका टाइम नहीं बचा, वो लोग कभी भी आकर उन दोनों को अलग कर देंगे। तब पॉल ने कहा बुक का अंत बस कुछ ही लाइन का है, कुछ ही मिनटों में कहानी कंप्लीट हो जाएगी और दुनिया को मिजरी की पूरी कहानी पता होना चाहिए। मरते हुए वो मिजरी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एनी को पॉल की बात ठीक लगी, इसीलिए वो मान गई। इसके बाद पॉल स्क्रिप्ट लिखने लगा। एनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा वो कहानी का अंत पढ़ने के लिए बहुत बेताब है। तब पॉल ने कहा कि उसका इंतजार बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है, लेकिन अगर वो उसके नंबर वन फैन है तो वो जानती होगी कि वो बुक कंप्लीट होने पर क्या करता है। इस पर एनी ने कहा कि उसे पता है क्योंकि वो उसके नंबर वन फैन है। फिर एनी एक शैंपेन की बोतल और सिगरेट लेकर आई, क्योंकि पॉल हमेशा अपनी कहानी के अंत में ऐसे ही अकेले सेलिब्रेट किया करता था। फिर एनी ने पूछा कि क्या उसने नंबर वन फैन होने का कर्तव्य निभाया। पॉल ने कहा हाँ, लेकिन बस एक चीज की कमी है, यहाँ दो ग्लास होने चाहिए थे। एनी ये सुनकर खुश हो गई और जैसे ही वो दूसरा ग्लास लेने गई, वैसे ही पॉल ने पूरी स्क्रिप्ट पर केरोसिन छिड़क दिया, जिसे उसने बेसमेंट से छुपा कर लाया था। एनी जब वापस आई तो पॉल ने कहा तुम्हारी मिजरी हमेशा के लिए अधूरी रहेगी, दुनिया तो क्या वो भी कभी नहीं जान पाएगी कि अंत में मिजरी के साथ क्या हुआ था। ये कहते हुए पॉल ने स्क्रिप्ट को जला दिया। तब एनी स्क्रिप्ट को बुझाने की कोशिश करने लगी, तभी पॉल ने टाइपराइटर मशीन उठाकर एनी के सिर पर पटक दिया, लेकिन एनी बहुत स्ट्रांग थी। वो जल्दी से खड़ी हो गई और पॉल पर हमला करने लगी। पॉल ने अपनी जान बचाने के लिए एनी की आंखों में उंगलियां डालकर उसे दूर फेंक दिया, लेकिन एनी रुकी नहीं, उसने पिस्तौल निकालकर शूट कर दिया जो सीधा पॉल के शोल्डर पर जा लगी। लेकिन पॉल ने फिर भी उसका सामना किया और व्हीलचेयर से उठकर एनी को पटक दिया। दोनों में जबरदस्त झड़प चल रही थी। पॉल ने एनी के मुंह में जली हुई स्क्रिप्ट डाल दिया, लेकिन तभी एनी ने उसके मेन पार्ट पर लात मारी और पिस्तौल उठाने लगी, लेकिन तभी पॉल ने अपनी लात से एनी को गिरा दिया। एनी का सिर सीधा टाइपराइटर पर जा लगा। फिर पॉल उस रूम से निकलने के लिए रेंगते हुए जाने लगा, तभी एनी फिर से पॉल पर हमला करने लगी। तभी वहां रखे मेटल डोर लॉक पर पॉल की नजर पड़ी। बहुत मुश्किल से किसी तरह पॉल ने वो मेटल उठाया और एनी पर हमला कर दिया, जिससे एनी की वहीं पर मौत हो गई। और इतनी मुसीबतों के बाद पॉल फाइनली आजाद हुआ। अब मूवी में आगे हम 18 महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पॉल छड़ी के सहारे चलते हुए एक रेस्टोरेंट में अपने पब्लिशर से मिलने गया। वहां हमें पता चला कि पॉल एनी के साथ हुए इंसिडेंट पर अपनी एक कहानी पब्लिश करना चाहता है। तभी पॉल ने देखा कि उसके पास वेट्रेस के कपड़ों में एनी आ रही है। दरअसल वो एनी नहीं थी, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से पॉल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे हर जगह एनी ही दिखाई देती थी। फिर उस वेट्रेस ने पॉल से पूछा कि क्या आप फेमस राइटर पॉल शेल्डन हैं? पॉल ने कहा हाँ। तब उस वेट्रेस ने कहा आई एम योर नंबर वन फैन, और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।